आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। जो कि 50 साल पहले भारत के अंदर में आए, दीक्षा भूमि में आए और यहीं के होके रह गए, और वो बाबा साहब का जो मूवमेंट है उसको चलाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आज उनकी उम्र 87 साल है, लेकिन 87 साल के लगते नहीं, 87 ईयर्स। तो बंते जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। छिंदवाड़ा से? हाँ जी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से निकल आए। हाँ, मंगल हूँ जी। जी, आगे बढ़ो जी। बंते जी, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? अम्बेडकर के बारे में प्रचार करो। अम्बेडकर केवल धर्म है नहीं, राज्य रत्न बनाया, संपूर्ण राज्य का राम, संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण समाज का राम, वो सब पूरा उठाया, समझिएगा। केवल धर्मांतर किया, इसलिए बाबा साहब को चाहता है संपूर्ण भारत को क्रांति किया। अच्छा, क्रांति का पूरा तक भारत में नहीं और दुनिया में भी नहीं हुआ, समझिएगा जी जी। इसलिए उस नाम से तू चन्नेरू स्थापना किया, आगे बढ़ो मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में संत बनाकर जोरदार काम करो। बंते जी, मैं जानना चाहूँगा बुद्ध की ऐसी कौन सी शिक्षा है, ऐसी कौन सी खासियत है जिसके कारण लोग हैं बुद्धिज्म को जाने समझे या बुद्ध के मार्ग पर चले, क्यों चले? चली बोलती, आप लोग जानता होगा बाबा साहब ने क्या बोला, आप लोग अस्पृश्यते इधर कबूतर हो, बुद्ध भी नहीं जानती थी एक शब्द भी। मैं आए तो समय 55 साल पहले बुद्ध के कोई भी जानकारी नहीं है और वंदना भी नहीं आती थी। बाबा साहब दामदीक्षा के बाद 3 महीने के बाद गुजर गया, मार निर्वाण हो गया, इसलिए कोई भी जानकारी नहीं था। अभी 55 साल के बाद पूरा भारत बुद्ध माया सिर का हो गया, इसलिए संस्कार अभी भी लेकर नहीं है। और केवल अंधविश्वास भी है, अंधविश्वास ज्यादा है। ये पहले सत्यनारायण का था, चलता था, आजकल मानते परित्राण पाठ। अच्छा, परित्राण पाठ है, सत्यनारायण का सिर का चल रहा है, समझिएगा। अच्छा बंते जी, जब आप यहाँ पे आए थे तो उस समय आपको हिंदी बोलना आता था क्या? हिंदी एक शब्द भी मालूम नहीं। अच्छा, एक शब्द भी मालूम नहीं था आपको? क्योंकि नागार्जुन नहीं बोला था मेरे को। अच्छा, ये जो हम नागार्जुन टेकड़ी पहुँचे, टेकड़ी है ये, नागार्जुन अभी भी जिंदा है जी, ऊपर में अशोक इतना से बनाया, अशोक का ये समाज है नागार्जुन का, ये समुदाय इतना से बनाया, अशोक का है। अच्छा बंते जी, जो बोध गया जहाँ पे तथागत बुद्ध जो सिद्धार्थ जो है बुद्ध हुए थे, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पे बुद्धिस्ट जो भिक्षु है वो कम रहते, बाकी दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। हम यदि मंदिर जाते तो वहाँ मंदिर या जो हिंदुइज्म के जो भी पुजारी रहते वो रहते, मस्जिद जाते तो वहाँ मौलाना रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, लेकिन महाबोधि जो टेम्पल है या विहार है वहाँ पर दूसरे धर्म के लोग क्यों रहते हैं? बुद्ध विष्णु क्या अवतार है? अच्छा, विष्णु का अवतार है, ये हिंदू लोग पक्का उसको मानते, और हिंदू शास्त्र में हिंदू प्राण बोलते, अग्नि प्राण, वायु प्राण, ऐसा प्राण शास्त्र है, उसमें पक्का लिखा है। अग्नि प्राण तो बुद्ध है कि महाबोधि विहार में बुद्ध है, उसके बारे में पूरा दिया है,
बुद्ध विष्णु क्या उतरा है, क्यों चलेगा पिंड, शास्त्र में लिखा है। तो आप मानते हैं कि बुद्ध विष्णु का उतारा है? बाबा साहब ने क्या बोला? उन्होंने तो मना किया है। तो मना किया तो तू लोग मानता है का? तो मैं ये मेरा आंदोलन किया, मेरा आंदोलन देखा है का? हाँ, आप लोगों ने आंदोलन भी किया तो बहुत है। 1992 से आंदोलन शुरू किया, लाख लाख लोग यूपी के एमपी लोग परवाह नहीं करते, मार्च लोग पूरा गया, ये पूरा बुद्ध के पूरा दर्शक, इसलिए मेरा संघर्ष चल रहा है। अभी हाईकोर्ट में चल रही है, बुद्ध गया महाबोधि विहार सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 2012 से बुद्ध गया इधर भी हाईकोर्ट से में चल रहा है, मेरा संघर्ष माया है। ऐसा बनते देखता नहीं भारत में, केवल पैसा चाहिए पैसा चाहिए, आप लोग भी ऐसे पैसा चाहिए, पैसा देगा तो उधार मिल जाता। सच बुद्ध असंभव है, पैसा से दूर हो। धन्यवाद बंती जी। What?